तो इधर लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि हम मुद्दों के साथ जा रहे हैं, उनके पास क्या मुद्दा है। हम रोजगार देना चाहते हैं, बेरोजगारी हटाना चाहते हैं और गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसी फैक्ट्री मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ परिवारवाद पे भाषण देते हैं, जंगल राज पे भाषण देते हैं। मुजफ्फरपुर में अभी कल की घटना में बता रही हूँ, एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, कोई नहीं गया अभी तक। तो ये संवेदनहीन सरकारें हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को, और हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दे की कोई कमी नहीं है। हम किसानों का मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, हम MSP लागू करना चाहते हैं, हम किसानों की आय डबल करना चाहते हैं, हम गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दे रहे हैं, हम 30 लाख रोजगार सृजन करने जा रहे हैं। दीदी एक सवाल है, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं साइबरन पक्षी की तरह आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो क्या थे? वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल में थे, कौन सा पक्षी उनको कहा जाएगा? जो नेता चुनाव के समय आते हैं और दल बदल लेते हैं, उनको कौन सा नाम आप लोग बताइए, या उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन सा नाम दिया जाए। चिराग पासवान का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं NDA के साथ है उनके भी? समस्तीपुर में कौन सा पक्षी गया है? नवादा में कौन सा पक्षी गया है? जमुई में कौन सा पक्षी गया है? और गिना दें हम तो उस उधर गया में वैश्य समाज ने खुद की राजनीतिक उपेक्षा किए जाने के विरोध में बोध गया में चिंतन बैठक की। वहीं बैठक में जिले भर के वैश्य जाति और उनके उप जातियों के नेता एकजुट हुए और नेताओं ने कहा कि वैश्य समाज की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा हकमारी की जा रही है, वैश्य समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले समय में सम्मानजनक भागीदारी विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नहीं दी गई तो सबक सिखाने में कोई असर नहीं छोड़ा जाएगा। निर्णय हम लोगों की, हमारी मांगे हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अभी फिलहाल हम लोग के वरिष्ठ सरकार है, उनसे मांग हम लोग रखे, मांग पत्र पहला पकड़िए, ये मांग पत्र। और निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारे वैश्य के बारे हक के लड़ाई लड़ेगा वही 2025 में हम लोग उन लोगों के साथ हम लोग जाएंगे, 2025 का नारा है। और आज ये चिंतन बैठक है जो 22 समाज का, जो 22% आबादी है, 22% आबादी के अनुसार हम लोग का हक चाहिए। 2025 की लड़ाई हम लोग ने अभियान छेड़ा है और दिसंबर में बड़ा सम्मेलन हम बुला रहे हैं। आज सब प्रमुख लोग बुलाए हैं, जो समाज के अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख लोग हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि, उन लोगों को बुलाया गया है। चिंतन बैठक में ये तय हुआ कि दिसंबर में बड़ा एक सम्मेलन करना है और उसी में हम लोग तय करेंगे क्या करना है। ये जो मांग पत्र है और आप लोगों पर एक लेबल लगा हुआ है कि फल्ला पार्टी का वोटर जी, बिल्कुल, अगर ये नहीं पूरा हुआ तब आगे का हम लोग रणनीति तय करेंगे। जब बड़े बड़े लीडर इधर से उधर चल रहे हैं तो वैश्य समाज का बैठक आपको देगा, जो वैश्य